हेलो एंड ग्रेट वेलकम एजुकेटर कविता। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हरियाणा जीके की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा का जो नामकरण है, हरियाणा से पहले किन-किन नामों से जाना जाता था हरियाणा को, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम देख सकते हैं कि हरियाणा यहाँ पे है अपनी प्यारी सी स्टेट को, और इसके अंदर है जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 22, क्योंकि ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो हरियाणा स्टेट है इसके अंदर कितने जिले हैं। तो जिले हैं 22, जो कि हम मैप के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, और अपनी अपकमिंग वीडियोस में हम जैसे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हरियाणा का कैसे चलता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हरियाणा कहने को तो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, लेकिन हरियाणा का जिक्र इतना पुराना है कि इसको वेदों में भी मेंशन किया हुआ है। बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हरियाणा जो शब्द है इसके अलग अलग जो रूप है। सबसे पहले देखिए, हरियाणा का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हरियाणा हरि का अरण्य है, यानी भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल हम कह सकते हैं, कि जहां पर वो खेलते हैं। अभी अभिरण्य जो होता है इसका मतलब है अहीरों का घर जो है यहाँ पर। और क्योंकि एक तरह से जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हें यादव वंश में पैदा हुए थे, इसीलिए अहीरों का घर भी बोला गया है। हरित अरण्य, हरित मतलब हरा भरा, और हरा भरा क्या होता है, वन होता है। अरण्य जंगल को बोलते हैं, तो हरा भरा वन हम कह सकते हैं। हर का अयन, हर का अयन कहने का मतलब है भगवान शिवजी जी का घर। तो देखिए, हरियाणा शब्द को सबसे पहले इसका मेंशन, इसका उल्लेख जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें किया गया है रज हरियाणा के रूप में। हमारे जो वेद हैं वो कितने हैं टोटल, हमारे वेद हैं चार। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, अथर्ववेद, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चार वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। और इस ट्रिक को किस तरह से लर्न करेंगे, कि जिसने वेदों को पढ़ लिया, जिसने ऋग्वेद को पढ़ लिया, वो रज गया। रज गया मतलब ज्ञान से, ज्ञान की उसको प्राप्ति हो गई। तो ऋग्वेद में हरियाणा को बताया हुआ है रज हरियाणे, रज हरियाणे के रूप में मेंशन किया हुआ है। 9वीं सदी में हरियाणा के लिए हरियाणा शब्द को यूज किया गया, प्रयुक्त किया गया, और स्कंद पुराण जो है, हमारे जो पुराण है स्कंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर हरियाणा शब्द का उल्लेख हुआ है। और 10वीं सदी के अंदर पुष्पदंत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा शब्द का यूज किसने किया, तो पुष्पदंत जो कि जैन कवि थे, उन्होंने महापुराण के अंदर पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा महाभारत में नकुल दिग्विजय, इनके बारे में रोहतक का वर्णन मिलता है, यानी रोहतक जो जिला है उसका वर्णन मिलता है। और इसके अलावा देखिए, जो महाभारत में 5 भाई जो है पांडव जिनको कहा गया है, जिसमें से सबसे बड़े थे युधिष्ठर जो कि धर्मप्रिय जिनको कहा गया, फिर भीम थे, फिर हम कह सकते हैं कि अर्जुन थे, और नकुल और सहदेव थे। तो क्योंकि इन्होंने घोड़ों का एक तरह से व्यापार भी किया था, तो नकुल और दिग्विजय इनका जो जिक्र है वो रोहतक जो जिला है वहां पे जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर वर्णन मिलता है। इसके अलावा देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश का जो है मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है, यानी कानून जो थे सबसे पहले लिखे गए मनुस्मृति के अंदर, यानी कानून की बुक हम कह सकते हैं, लॉ की जो बुक है, वहां पे इस प्रदेश का अस्तित्व जो है वो देवताओं से आया। और इसीलिए
इसीलिए मनुस्मृति के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है, ब्रह्मावत कहा गया है। हरियाणा का पहले प्रादेशिक नाम जो था वो ब्रह्मावत था, यानी ब्रह्मा से जिसकी आवृत्ति हुई है, ब्रह्मा से जिसका जन्म हुआ, यानी देवी देवताओं का अस्तित्व जिसमें आ गया है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि सरस्वती और दृष्टद्योति, ये दोनों नदियां जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं लेकिन पहले के टाइम थी, तो ये इन दोनों नदियों के मध्य में एक प्रदेश जो स्थित था जिसका नाम था ब्रह्मवत, और जिसे आज के टाइम में हम हरियाणा बोलते हैं, और महाभारत में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मवत को कुरुक्षेत्र और आर्यव्रत कहा गया। यानी महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर राजा कुरु के नाम पर ही ब्रह्मावत को कुरुक्षेत्र कहा गया और आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत क्यों कहा गया? आर्यों की आवृत्ति जहां से हुई, आर्य का मतलब होता है विद्वान पुरुष। और वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का भी वर्णन मिलता है कि यहाँ पे जो जो नदियां थी सरस्वती, लाइक अब सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई है, लेकिन उसके साक्ष्य जो होते हैं कहीं ना कहीं उसके चैनल्स जो होते हैं वो अब मिले हैं, जिससे पूरा प्रूफ मिलता है कि सरस्वती नदी बहा करती थी, बहती थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वो टोपरा अभिलेख है, और ये कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोपरा अभिलेख जो है, इसे दिल्ली मतलब ले गए थे फिरोज शाह तुगलक जो थे, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर यमुना नगर में उसको वापस ले आए थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये टोपरा अभिलेख जो है, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए अन्य विद्वान जो अन्य स्कॉलर्स है, अनदर स्कॉलर्स है, उनके द्वारा क्या-क्या नाम दिया गया है हमारे हरियाणा प्रदेश को। ऋग्वेद में हमने देखा जो सबसे पुराना वेद है रज हरियाणा के नाम से जाना गया। हर्षचरित्र जो कि बाण भट्ट ने लिखी थी, बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई है जो हर्षचरित्र, तो वहां पर हरियाणा को बताया हुआ है श्री कंठ जनपद, श्री कंठ जनपद के नाम से। महाभारत में हरियाणा को बताया हुआ है बहुधान्यक प्रदेश। महाराज कृष्ण उन्होंने हरियाणा को बताया है हरना, हरना मतलब लूटपाट करना, लेकिन हरियाणा के लोग जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर हरना उन्होंने नाम दिया है कि वो दिल को लूट लेते हैं, ये कह सकते हैं हम। डॉक्टर बुध प्रकाश ने हरियाणा के लिए वर्ड दिया है अभिरण्या, अभिरण्या। नेक्स्ट इज यदुनाथ सरकार के द्वारा दिया गया है हरियाल, हरियाल यानी हरियाली जहां पर हम कह सकते हैं। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा है हरियाणा, यहां पर कहा है आर्यना, आर्यना मतलब आर्यों का घर यानी विद्वानों का घर। राहुल संकृत्यानंद ने कहा है हरिधानक्य, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेम आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या नेम मेंशन किया हुआ है। ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से है, हर्षचरित्र में श्री कंठ जनपद के नाम से है, महाभारत में बहुधान्यक के नाम से है, महाराजा कृष्ण ने हरना कहा है, यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा है, डॉक्टर बुध प्रकाश ने अभिय राणा कहा है, राहुल सांकृत्यानंद ने हरिधानक्य कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कि किस जैन कवि के द्वारा 10वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपने ये आंसर मेंशन करना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या पुष्पदंत है, दियाराम है, रामधारी जी हैं या परशुराम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुष्पदंत। इसका सही जवाब है पुष्पदंत, जो कि जैन कवि थे, उनके द्वारा 10वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नेम, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।